देखिए फ्रेंड्स, आज हम बनाने हैं वाले हैं करेले की रेसिपी, यानी कि हम करेले बनाने वाले हैं। तो हमने करेले कट कर चुके हैं, इसके छोटे छोटे पीस बना लिए हैं। अब इसे हम उबालेंगे। अब पहले इन्हें हम वॉश करेंगे। देखो कुकर में हमने थोड़ा सा पानी ले लिया है, इसमें डालें क्योंकि हमें करेले उबालने हैं। और अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। एक चम्मच के करीब। अब हम करते हैं अपने गैस का फ्लेम ऑन। बस एक सीटी लगाएंगे फ्रेंड्स। जब तक हमारे करेले उबलते हैं तब तक हम और सामान तैयार कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये हमने ग्रीन चिली यानी कि हरी मिर्च ली है, हम इन्हें करेले में डालने के लिए कट करेंगे। और प्याज लिया हुआ है। सो फ्रेंड्स, हमने प्याज भी कट कर ली है और हरी मिर्च ली है। और हमारे करेले भी हो गए हैं। अब हमें इन्हें एक बास्केट में डालें। तो गाइस देखिए, हम इनका पानी निचोड़ रहे हैं ऐसे धीरे धीरे, ज़्यादा टाइट नहीं, धीरे धीरे इनका पानी निकल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने करेले निचोड़ लिए हैं और उनका इनका कड़वापन सारा निकल चुका है। ऐसा करने से ये कड़वे बिल्कुल नहीं लगते हैं बनने के बाद। सो हम इन्हें अब कुकर में ही बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब डालेंगे हम इसमें ऑयल। देखिए कितने कम ऑयल करेले बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे मेथी के कुछ दाने और इसके बाद डालेंगे हम साबुत धनिया, सौंफ। अब डालेंगे हम ऑनियन कटा हुआ ऑनियन। अब हम कटे हुए प्याज को थोड़ी देर फ्राई करेंगे। कम से कम 3 मिनट। थोड़ी सॉफ्ट होने तक। अब इसमें हम अपने करेले और हरी मिर्च ऐड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हरी मिर्च हमने इसमें ही डाल ली है। अब इन दोनों
प्याज और करेला को कम से कम एक मिनट तक हम दोनों को एक साथ फ्राई करेंगे। थोड़ा नमक डालेंगे इसी में। क्योंकि हमने करेलों में पहले नमक डाला हुआ है तो उसकी अकॉर्डिंग नमक डालना है, वरना हमारा नमक तेज हो जाएगा। अब हम इसको बस केवल एक मिनट तक फ्राई करने देंगे दोनों चीज़ों को। सो फ्रेंड्स, हमें जो जो मसाले ऐड करने हैं हमने वो तैयार कर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर। अब अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब कुकर को बंद कर दीजिए। केवल 3 मिनट के लिए। और गैस का फ्लेम देखो मैंने मीडियम रखना है, केवल 3 मिनट के लिए रखना है हमको ये चालू। ना कोई सीटी लगनी ना कुछ, बस ऐसे बंद रखना है। वो 3 मिनट के बाद गैस का फ्लेम ऑफ करना है।